याद करते हैं वो बचपन के पल जब हमारी दादी और नानी के पास में हम जाया करते थे वेकेशंस टाइम में, यानी कि कोई त्यौहार के टाइम पे हम जब जाया करते थे तो वो हमारे लिए बनाया करती थी इतने सारे पकवान, इतनी सारी डिशेस, यानी कि स्वीट डिश और काफ़ी कुछ। मन ललचाता था, अभी भी मेरा बोलते बोलते काफ़ी मन ललचा रहा है। आई एम श्योर घर बैठे हमारे जो लोग हैं उनका भी होता होगा। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है, बचपन की यादें तो ताज़ा करेंगे ही, जो त्योहारों में अब बनाते हैं। पहले बोलते थे कि शुद्ध नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, हमारे टाइम पे बहुत अच्छा बनता था। आज हम शुद्धता का भी ध्यान रखेंगे और वो बचपन के पल भी वापस से लाएंगे। जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं उनसे हम कहेंगे कि आज वो हमारे लिए कुछ ऐसा बनाएं जो कि बचपन के जो पल हैं उसे हमें दोबारा से रिकलेक्ट करा सके। तो इसी के साथ मैं आपकी अंबिका स्वागत करती हूँ रसोई से में, और मिलते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट सुषमा जी से। सुषमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स। तो आज सुषमा जी हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जो बचपन में हम बनाया करते थे, हमारी दादी बनाती थी, बहुत सब चीज़ें होती थी, तो आज ऐसा क्या बनाने वाली हैं आप? आज मैं आपको अपने दादी नानी के समय की चीज़ें ही बनाना बता रही हूँ। जी। त्योहारों पे अक्सर आपने देखा होगा अपने यहाँ भुजिया बनती है। यस बिल्कुल। शक्कर पारे। बिल्कुल। नमक पारे। जी बिल्कुल। कांजी वड़ा। बिल्कुल। दही की गूंजी। यस। तो उन्हीं सब चीजों की याद दिलाते हुए मैं आज आपको ये सब बनाना सिखा रही हूँ। प्लीज सुषमा जी, अब बिल्कुल इंतजार नहीं होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मावे की गुजिया। जी। गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मावा, एक बॉल मैदा, एक छोटा चम्मच सूजी, एक पीसी हरी इलायची, एक छोटा चम्मच कतरे बादाम, एक छोटा चम्मच पिस्ता कतरन, तलने के लिए घी, गार्निशिंग के लिए चाहिए मिंगी, चाशनी के लिए चाहिएगी चीनी। इसके लिए अपने को चाहिएगा एक बॉल में मैदा। जी। देखिए जब हम लोग गुजिया वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि गुजिया जो है फूटे नहीं। बिल्कुल। तो उसके लिए एक तो क्या होगा कि हम पहले मावा भून लेंगे। जी। अब ये देखिए मैं मावा भूनने लगा रही हूँ। जी। ये मावा घर का ही बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो जैसे कि हमने वादा किया था कि हम शुद्धता का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, तो हम लोग इसके लिए जो है भैंस का दूध लेंगे, गाढ़ा दूध। गाढ़े दूध को जो है इसमें करेंगे और उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। उसको बीच बीच में चलाने से क्या होगा कि वो दूध नीचे नहीं लगेगा और हमारा जो है मावा बनता जाएगा। जी। जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो हम उसको फिर निकाल लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हमें ब्राउन होने तक बेसिकली इसका वेट करना है? नहीं, ये तो हम मावा बना हुआ है तो उसको मैं भून रही हूँ। ठीक है। भरने के लिए गुजिया में। जी। अब इसमें जब ये देखिए मैंने ये भून जाएगा, फिर इसको ठंडा होने पे आप इसमें पिसी चीनी मिलाएंगे। जी। ठंडा होने पे हम पिसी चीनी मिलाते हैं, तो मैंने ये मावा भून के रखा है। जी। पिसी चीनी मिलाई हुई है इसमें। इसमें थोड़ी सी बादाम कतरन मिलाई है। जी। पिस्ता मिलाया है और हरी इलायची पीस। ओके। तो इसके बाद में ये ब्राउन हो जाएगा क्योंकि आपने आई थिंक चीनी भी डाली है, तो उसे अपने में जैसे ये ब्राउन हो रहा है कोई बात नहीं, पर फिर इसको ठंडा होने पे ही अपन कुछ मिलाएंगे इसमें, पहले से नहीं मिलाते। ओके। अब ये जो हमने किया है। जी। अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी का मिलाएंगे। ठीक है। वैसे बहुत से लोग तेल भी डालते हैं, पर मिठाई हमेशा हम लोग घी में ही बनाते रहे हैं, और पहले के समय में तो तेल का शायद था भी नहीं चला, बिल्कुल नहीं, तो उस वाली बात का भी फर्क पड़ता है। इसको एकदम बहुत अच्छी तरह हम करेंगे। इसके लिए दो बातें होती हैं, आपने ज्यादा तेल डाल लिया तो वो फैल जाएगी गुजिया, और कम तेल डाल लिया तो ऊपर का जो होल होता है ऊपर का वो हार्ड हो जाता है। तो हमको क्या है कि हमेशा ध्यान रखना है। जी। इसको देखिए एकदम एक साथ ही वो करना है कि एक साथ हो जाए, तो इसको तलने के लिए सिर्फ घी का इस्तेमाल करेंगे। जी। अब इसमें हम लोग पानी से कड़ा आटा गूंद लेंगे। जब हम लोग भरावन तैयार करते हैं तो उसमें बहुत से लोग मिंगी भी डालते हैं,
पर मींगी डालने से कई बार क्या होता है आपकी गुजिया फट जाती है बीच में से, क्योंकि मींगी खरबूजे के जो बीज होते हैं, खरबूजे के जो बीज होते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है गुजिया कई बार फट जाती है, और उसको एकदम पीस के मिलाते हैं तो उसका थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा हो जाता है। अच्छा। तो हम उसको ऊपर की तरफ जब डेकोरेट करते हैं ना गार्निशिंग के लिए तब उसको यूज करते हैं। देखिए मैं मिला रहा हूँ, अब इसको मैंने गूंदने के बाद, थोड़ा कड़ा आटा गूंदने के बाद इसको मैं रखूंगी जिससे थोड़ा बफ जाए। हर आटे को हम लोग जब भी करते हैं तो 10-15 मिनट उसको रखना ही क्यों होता है। ओके। देख रही है ना आटे को? जी बिल्कुल टाइट। हाँ ये टाइट हो गया है प्रॉपर। हाँ तो आटे की कंसिस्टेंसी इस तरह से ही रखनी होगी जी, तभी अच्छा होगा। इसमें ठंडा होने के बाद मावे में जी हम थोड़ी सी मिलाएंगे सूजी, जिससे कि वो फटे नहीं गुजिया। ओके। इसमें मिलाएंगे पीसी चीनी, ठीक है, बादाम कतरन, बादाम को आप बारीक काट लें जी, पिस्ता कतरन जी और पिसी हरी इलायची। नहीं इसको ठंडा होने के बाद, मावा ठंडा होने के बाद जो बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो उसमें मिलाएंगे। ठीक है। तो देखिए ये मैंने मिला के रखा है। अच्छा अच्छा, इसमें भी हम गुजिया भी कई तरीके से बनती है। एक गुजिया क्या होता है कि इसमें जब पिसी चीनी मिलाते हैं जी, तो उसमें अगर आपको ऊपर से चाशनी थोड़ा सा लगता है शाइन करे या थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सूखी नहीं हो, तो हम थोड़ा इसके अंदर चीनी कम मिलाते हैं। एक तार की चाशनी से थोड़ा सा कम चाशनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा चाशनी अगर आपने कर ली थोड़ा, तो जब आप उसको गुजिया में उसमें करेंगे ना तो वो शक्कर पारे की तरह जम जाएगी। जमनी नहीं चाहिए, जमनी नहीं चाहिए। इसलिए हर चीज पे जब भी कुछ बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। पाक एक मतलब जो अपन जो कुकिंग करते हैं वो एक कला है। कला है, एब्सोल्युटली। देखिए आज भी बड़े लोग कई बार कहते हैं जो हमारी दादी नानी बनाती थी तो उसकी बात ही और होती है, तो उसमें तो फर्क पड़ता ही है ना। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है, देखिए ये भी गोल बननी चाहिए जी, ठीक है। मैंने इसके लिए मोल्डर लिया है जी, मैं मोल्डर को इसको चिकना कर रही हूँ। इसमें पानी कर लीजिए जी। मैं आपको प्रोसेस बता रही हूं। आटे का भी ध्यान रखना पड़ता है और ये जो घी किया है उसके टेम्परेचर का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा तेज होगा तो गुजिया अंदर से जल जाएगी जी, और कम होगा तो तेल घी पी जाएगी जी। देखिए अब ये मैंने इसको चिकना कर लिया जी, मैं इसमें इसको लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं ही भर रही हूँ जो मैंने फिलिंग तैयार करी है। आई थिंक फिलिंग भी बहुत ज्यादा नहीं भरनी होती है, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में अगर कम फिलिंग भरते हैं जी तो इसमें हॉलो रह जाता है तो अंदर हवा भर जाती है जी। बिल्कुल। मैं इसको किनारे ऐसे देखिए, आप किनारे बता रही हूँ आपको क्या हुआ। एक्स्ट्रा जो आपने ये है ये हटा दिया है जी, शेप देखनी है बात इसकी जी, अच्छे जी। इससे क्या है मोल्डर से सब एक से बनते हैं, सबके एक साइड शेप आती है। हाँ ये हमने घी गरम होने रखा जी, था, इसका टेम्परेचर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ज्यादा घी तेज गरम होगा तो गुजिया अंदर से जल जाएगी और कम होगा तो वो तेल घी पी लेगी जी। तो इसके लिए क्या करना होता है कि हम पहले देख लेते हैं इसका कैसा वो है। देखिए अभी होने लग गया है, रेडी हो गया ये। हाँ। जी। तो मैं अब इसमें गुजिया ये बनाई है मैंने। देखिए मैं गैस मीडियम पे कर रही हूँ, मध्यम आंच पे है ना जी। जी अब हमें इनको तलना है, इसको अच्छी तरह पानी से अच्छी तरह उसको बचपाना है जी, जिससे कि वो फटे नहीं। एब्सोल्युटली। अगर गुजिया फट जाती है आपकी जी तो आपके घी में भी वो मसाला निकल जाता है जी, बिल्कुल, और वो जल जाता है और गुजिया भी जल जाती है जी, बिल्कुल। तो जब गुजिया में अगर मसाला बाहर आ जाएगा जी तो बुरा सा लगता है। देखिए देखिए ये ब्राउन हो गई है जी,
अब हो गई है, अब हम इसको चाशनी में डालेंगे, ठीक है। तो वो जो है अपन उसमें चाशनी बना लेते हैं। चाशनी सोने पे सुहागा वाला काम करेगी, पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा अंदर चीनी कम डालनी है, पिसी चीनी। यस, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट हो जाएगा। हाँ, तो फिर वो खाने में नहीं है। जी, ये मैंने दानेदार चीनी डाली है। जी, ये है 3 बड़े चम्मच। अब इसमें चाशनी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं डालती हूँ पानी। पानी की क्वांटिटी भी हम जितनी चीनी डाल रहे हैं उसकी आधी होती है। अब इसमें चाशनी बना रहे हैं, आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं। जी, अब ये देखिए चाशनी है। जी, एक तार जैसा आपने बोला, एक तार की चाशनी बनेगी। जी, इसमें क्या है तार, देखिए एक तार की चाशनी हो गई। हाँ, अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा अगर गाढ़ी हो जाएगी ना चाशनी, तो वो हो जाएंगी गुजिया, जम जाएगी। जैसे आपने बताया वो शक्कर पारे की तरह ऊपर आ जाएगी। जी, तो मैं इसको तुरंत निकाल रही हूँ। सो इसमें प्रॉपर ग्लेज आ गया है, इससे शाइनिंग आ गई है प्रॉपर। जी, इसके ऊपर अब मैंने इसको सजाने के लिए, जब गीला ही होता है ना। जी, तो आप ये देखिए इसमें थोड़े से तो ये डाल रही हैं, मैंने कहा था मिंगी। जी जी, और थोड़ा सा ये पिस्ता की। सो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और खुशबू तो खैर आ ही रही है। तो मैं इसको इसका स्वाद लेती हूँ, तब तक आप देखिए इसका क्विक रिकैप। इतनी यम्मीलिशियस गुजिया के बाद में सुषमा जी, अब हमारे दर्शकों को आप क्या बनाना सिखाएंगी? मैं आपको बताने जा रही हूँ कांजी बड़ा। कांजी बड़ा बनाने के लिए चाहिए 1 कप धुली उड़द की दाल, आधा छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1/4 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हींग, 2 छोटे चम्मच पीसी राई, 1 चुटकी साबुत राई, 1 गिलास पानी। कांजी बड़े में क्या है, ये पाचन शक्ति के लिए भी अच्छा होता है और खाने में भी बहुत जी, और उसकी जो आई थिंक तासीर होती है वो भी काफी ठंडी होती है, और गर्मियों के टाइम पे काफी उसको खाया जाता है। जी, चलिए तो बनाते हैं। मैं इसके लिए तेल गरम होने लगा देती हूँ। जी, मैंने ये दाल आपको बताई थी धुली उड़द की दाल है, इसको 4 घंटे आप भिगो लेंगे। ठीक है, 4 घंटे भिगो लेंगे तो उसके बाद हम इसको पीसेंगे। अगर 1 कटोरी दाल हम ले रहे हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए सुषमा जी? 1 कटोरी दाल ले रहे हैं तो उसके लिए जो हम ये जो कांजी बना रहे हैं उसके लिए आप पूछ रही हैं, 4 कटोरी पानी लेंगे। ठीक है, पानी को गर्म करके उसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, ठंडा करने के बाद उसमें हम लोग डालेंगे नमक, लाल मिर्च और थोड़े से कलर के लिए हल्दी। इसको जो हम लोग बनाएंगे इसको थोड़ा सा कम फेंटेंगे, आपने देखा होगा दही बड़े को तो काफी फेंटना पड़ता है, पर इसको हम थोड़ा सा कम फेंटेंगे। ओके, अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ठीक है, इतनी सी क्वांटिटी के लिए आप कितना नमक डाल रहे हैं इसमें? नमक तो देखिए स्वादानुसार होता है, पर मैंने 1/4 छोटा चम्मच लिया है। 1/4 छोटा चम्मच। ठीक, मिर्ची 1 चम्मच, नहीं वही छोटा चम्मच, थोड़ा सा साबुत धनिया थोड़ा सा डाला है। हाँ, मतलब वही 1/4 लिया है। जी, साबुत सौंफ। ठीक है, इससे क्या होता है बड़े का भी टेस्ट आ जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, और हमको चाहिए साबुत जीरा, जीरा 5-6 दाने साबुत जीरा। जी ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह फेंट लेती हूँ।
इसमें जो पानी गर्म करके रखा है मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हम डाल रहे हैं नमक जी, अच्छा, लाल मिर्ची, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा रंग आ जाता है उसके लिए हल्दी, और इसमें डालेंगे हम पिसी राई जरूरी होती है खटास के लिए। ओके, अब इसको क्या है कि जैसे आज आप बड़े खा रहे हैं तो आपको कल रात को जैसे पानी बना के रख दें जी, और इसमें फिर बड़े खा लें। आज का मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सभी जगह अप्लाई होगी, आज की जो बात है ना कम ना ज्यादा जी। जब इसको बनाते हैं जी तो इसमें क्या है कि जैसे अब आपके पास गोल चम्मच नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी कटोरी पे या कोई पॉलीथीन ले लें जी, उस पे गोल बना लें जी, गोल बनाने के बाद उसको वो चिकना कर लें, इसको किसी भी स्पून को उस टाइप के, ये राइस स्पून वगैरह, और उससे इस पे, अच्छा, इसको कम फैटा, कम फैटने के बाद क्या है ज्यादा गलेंगे नहीं तो इसका टेस्ट भी अच्छा। अच्छा अच्छा, मैंने पानी तो बना ही लिया जी, बिल्कुल। आप इसमें तुरंत खाना है धूप में भी रख सकते हैं, इसमें नींबू भी मिला सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा पहले दिन आप ये बना लीजिए और अगले दिन आप इसमें बड़े डाल लीजिए। दूसरा, जब हम बड़े में ये सब चीजें डालते हैं, साबुत धनिया, साबुत जीरा, लाल मिर्च, तो उसका क्या टेस्ट भी डिफरेंट जी, बिल्कुल। मैं गैस बंद कर रही हूँ जी, ये ब्राउन हो रहा जी। तैयार है जी, मैं आपको बताती हूँ इसकी प्लेटिंग करती हूँ। अच्छा, इसको आपको थोड़ा सा दबा करके फिर उसके बाद में डालना है। ओके, तो आइए फिर इसको, इसका जो पानी होता है वो बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल, मैं इसको गर्म कर रही हूँ। दो बूंद तेल है, इसको गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हींग, चुटकी सी हींग, ठीक है, वाओ, ठीक है, साबुत राइस जी। अब इसके ऊपर अगर आपने देखा होगा कई बार सफेद सी लेयर आ जी जी जी, बिल्कुल। तो अब अगर हम इसको डालेंगे हाँ, तो कोई लेयर नहीं आएगी। मैं चौक बता रही हूँ आपको जी, ओके, तो छौंक डालते ही उसको कवर कर देना है, कवर कर देना है, ठीक है। टेस्ट करके बताइए कैसा है। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है और ये काफी सॉफ्ट हो चुका है। कांजी का अपना एक स्वाद होता है और जैसे कि हम कांजी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही स्वाद है इसका, परफेक्ट फ्लेवर्स आ रहे हैं। मैं इसका स्वाद लेती हूँ, तब तक आप देखिए फटाफट से इसका क्विक रीकैप। टेस्टी टेस्टी डिशेस के बाद में सुषमा जी, आई एम श्योर ये जो हमारी अब डिश आने वाली है वो भी उतनी ही स्वादिष्ट होगी। तो आप क्या बनाएंगे सुषमा जी? अब मैं बताऊंगी आपको गुंजी बड़ा। दही की गुंजी के लिए चाहिए एक बॉल धुली उड़द की दाल, एक छोटा चम्मच किशमिश, एक छोटा चम्मच चिरौंजी, एक छोटा चम्मच अदरक, एक छोटा चम्मच हरी मिर्च, एक बॉल दही, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफेद नमक, पौन छोटे चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा बारीक सेव, एक बड़ा चम्मच अनार के दाने, एक छोटा चम्मच इमली की मीठी चटनी, एक छोटा चम्मच हरी चटनी, तलने के लिए तेल। हम गुंजी बड़ा बनाएंगे, उसके लिए जो बड़े हैं उसको हम
उसमें हम भरेंगे जी, ठीक है। तो ये दाल है, धुली उड़द की दाल है। धुली उड़द की दाल वैसे ही आपने रखा होगा चार घंटे पानी में। चार घंटे इसको पानी में सोक करने के बाद मैंने ठीक है पीस लिया। इसमें हम खाली डालेंगे हल्का सा नमक। ये जो दही की गूंजी है जी, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला है जी। मैं आपका प्रोसेस बता रही हूँ, देखिए ये मैंने इसको इस तरह से रखा है। अब इसमें मैं लगाऊंगी किशमिश, ठीक है, अदरक, हरी मिर्च और चिरौंजी। अब इसको अपन लोग ऐसे मोड़ देंगे तो ये आपकी, अब इसको इससे करके मैं डाल दूंगी। ठीक है, हाँ। और ये फूलना भी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे डबल होता है ना ये जी, तो अगर ज्यादा तेज आंच होती है तो वो भी जल जाएगा जी, और कम तेज आंच होगी तो अंदर से तेल पी लेंगे। बिल्कुल। फिर इनको भिगोना भी होता है जी। तो ये आई थिंक बन गया है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम करेंगे। हाँ ठीक है, मैं इसको पानी में भिगोऊंगी। इसका जो दही होगा उसमें थोड़ा सा हल्का सा मिठास रहेगा क्योंकि ये शाही गुंजी। अब इसकी प्लेटिंग के लिए आप दही दीजिए मुझे जी, चम्मच दीजिए गोल बड़ा। मैं इसमें थोड़ा सा नीचे, इसमें हल्का सा मैंने इतने दही में मैंने आधा छोटा चम्मच चीनी मिलाई है। ओके ठीक है। अब मैं इसको क्या है यहाँ फैला रही हूँ जिससे कि दही बड़े का टेस्ट एक साथ है जी, समझ गए ना आप, कि वरना कई बार क्या होता है दही ऊपर ही ऊपर बड़े भीगे रहते हैं नीचे नहीं रहते हैं, तो इससे एक साथ। समथिंग डिफरेंट आपने बनाया है सुषमा जी। मैं इस पर देखिए थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, लाल मिर्च, सफेद नमक, काला नमक, हरी चटनी चम्मच दीजिए मुझे, ये मैंने इमली भिगो के उसमें पल्प निकाल के इसमें डाला है, अदरक छुआरे और किशमिश गरम कर, अदरक छुआरे और किशमिश। हाँ, गाढ़ेपन के लिए मैंने इसमें गुड़ डाला है। ओके, ठीक है। अब मैं इसको अनार के दानों से सजाऊंगी। लीजिए, अब आप इसको। थैंक यू सो मच सुषमा जी। सो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं इसका स्वाद लेती हूँ, मैं इसे टेस्ट करती हूँ, तब तक आप देखिए इसका क्विक रीकैप।
सुदर्शन को जाने का कभी भी मन नहीं करता है, चाहते थे कि हम सुषमा जी से काफ़ी कुछ और भी सीखें, मगर अभी के लिए हम विश्राम लेते हैं और अगली बार आपसे और भी कुछ चीज़ें सीखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच सुषमा जी, स्टूडियो में बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सो मच हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुदर्शन को, अगली बार के लिए हम अभी आपसे अलविदा करते हैं, अगली बार कुछ और नया लेकर के आएंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, जो हमने आज बनाया था उसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यानी अंबिका को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।